हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको तालीपट या फिर दपाटी कैसे बनाते हैं ये सिखाने वाली हूँ। और हम लेफ्ट ओवर सांभर से इस रेसिपी को बनाने वाले हैं। जी हाँ, लेफ्ट ओवर सांभर जो हम कल बनाए रहते हैं उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसे हम बनाने वाले हैं। तो फिर चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये है सांभर, मैंने कल बनाया था तो फिर आज मैं इसे यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे बनाने के लिए। इसे मैंने अच्छी तरीके से बॉईल करके रख दिया था 2-3 बार, और रात को फ्रिज में रख दिया तो ये फिर ख़राब नहीं हुआ है। और यहाँ पे मैंने लिया है कैरेट्स, थोड़ा सा अदरक के टुकड़े और स्प्रिंग ऑनियंस और करी पत्ता, करी लीव और कटे हुए मिर्ची, ग्रीन चिली और ऑनियंस, और यहाँ पे थोड़ा सा ग्राम फ्लोर और राइस फ्लोर और थोड़ा सा व्हीट फ्लोर, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी ले लेंगे चाहिए तो, और थोड़ा सा नमक, जीरा और रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा टमाटोज कट करके ले लेते हैं। तो फिर चलिए इस सांभर में इस करी पत्ता को या फिर करी लीव्स को इसे काट के डाल देते हैं ताकि जो हर जगह आ जाए और फ्लेवर भी अच्छे आ जाए। और इन सारी चीज़ों को डाल देते हैं, कटे हुए कैरेट्स, अदरक, स्प्रिंग ऑनियंस और कटे हुए ऑनियंस, कटे हुए ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल देते हैं और टोमेटोज डाल देते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अब हम थोड़ा सा गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर ये डाल देते हैं। इसे अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स करेंगे और थोड़ा सा राइस फ्लोर डाल देते हैं। राइस फ्लोर से इस थालीपट या फिर दपाटी बहुत ही क्रिस्पी अच्छा बन जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं। अब थोड़ा सा ग्राम फ्लोर या फिर बेसन इसे भी डाल देते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमें थिक कंसिस्टेंसी, थिक बैटर चाहिए रहता है। तो फिर यहाँ पे मैं और थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल देती हूँ और थोड़ा सा बेसन का आटा ये भी डाल देती हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, पानी ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, और ये ग्राम फ्लोर थोड़ा सा बच गया है तो फिर मैं इसे ऐड नहीं कर रही हूँ। अब हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम तवा लगा देते हैं गैस के ऊपर। तवा भी हल्का सा गर्म हो चुका है। अब 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डाल के इसे स्प्रेड कर लेते हैं। अब हम इस बैटर को स्पून से अच्छी तरीके से डाल के इसे स्प्रेड कर देंगे। थालीपट ये थोड़ा सा तिक्की रहता है तो फिर हमें इसे इतना मोटा बना रहे हैं। धीमी आंच पे पकाना है तो फिर ताकि जो अंदर से भी ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। धीमी आंच पे पकाने से अंदर से भी अच्छी तरीके से पक जाता है, कच्चा नहीं रहेगा। अब हम किनारों के ऊपर और थोड़ा सा ऊपर भी तेल डाल दिया है, आप देख सकते हैं, और आप चाहे तो इसे कवर भी कर सकते हैं। अब 4 से 5 मिनट हो चुका है, मैंने धीमी आंच पे इसे अच्छी तरीके से कुक कर लिया है। अब हल्का सा थोड़ा सा फ्लेम हाई कर देते हैं और इसे पलट देते हैं, और किनारों पे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। अभी 3 से 4 मिनट हो चुका है, इसे फिर से पलट पलट के इसे अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे, और चाहे तो इसे स्पैचुला की मदद से इसे प्रेस करते हुए हर जगह इवनली कुक करते हुए जाएंगे और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल देते हैं। आपके घर में भी ऐसे सांभर बच गया है तो आप इसे फेंकिए मत, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी और अच्छा बन जाता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Thanks for watching. Take care.